हाय दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए नई रेसिपी। देखिए, आज हम बना रहे हैं मैदा का मीठा पेठा, चाशनी वाला पेठा बना रहे हैं। मैं चाशनी पेठे पे चढ़ाऊंगी। अब देखिए, मैंने ये 100 ग्राम मैदा लिया है, 100 ग्राम मैदा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, एक चुटकी मीठा सोडा। देखिए, बिल्कुल ज़रा सा मीठा सोडा डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और मैं इसमें डालूँ घी, मोरन के लिए घी अच्छी तरह डालूंगी इसका मोरन, ताकि हमारा पेठा नरम बने, टाइट नहीं बने। अब मैं इसको मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी मोरन को इसके अंदर। देखिए, इसमें मोरन मैंने मिक्स कर लिया है, इस प्रकार से आप भी देख लेना। अगर कम मोरन होगा तो पेठा आपका टाइट बनेगा, अच्छा मोरन डलेगा तो पेठा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और अनलिमिटेड मोरन डाल दिया आपने तो ये कढ़ाई के अंदर ही खिल जाएगा पेठा, इसलिए मोरन भी ऐसे मुट्ठी मार के देख लेना आप। इस प्रकार से मोरन ठीक, ये ठीक है मोरन, ना ज़्यादा है ना कम है। अगर आप घी का मोरन डालोगे तो पेठा ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ऑयल का डालोगे तो टेस्टी बनेगा, मगर टेस्ट में तो फ़र्क आ ही जाता है, घी में और तेल में फ़र्क तो होता ही है। आप चाहो तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हो, चाहो तो इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसमें पानी। जैसा डो हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है इस प्रकार का। थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक डो होना चाहिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी ढक के, उसके बाद में इसका पेठा बनाएंगे। देखिए, 10 मिनट हमारी हो गई है, अब इसका अपन पेठा काट लेते हैं। इस प्रकार से लोई बना लेंगे। मैं इसको बेलन की सहायता से बेल लेती हूँ। देखिए, बना लिए मैंने इसको, काटेंगे पेठे को इस प्रकार से चाकू की सहायता से। जितने मोटे रखना चाहो उतने ही मोटे आप काट सकते हो। मैं मीडियम साइज कर रही हूँ, ना बड़े कर रही हूँ ना छोटे कर रही हूँ। देखिए, मैंने इनको काट लिया है, अब एक एक उठा लूँगी इनको। मैं बड़े ही बनाऊँगी बेटे, ज़्यादा छोटे नहीं बना रही हूँ, इसलिए देखिए मैं इनको सबको अलग अलग कर लूँगी, एक थाली में डाल लेती हूँ। देखिए, मैंने थाली में डाल के सब पेटों को अलग अलग कर लिया है, अब इसको अब फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने भगोना ले लिया है, इसके अंदर मैं 100 ग्राम पेठा बनाया है तो 100 ग्राम ही चीनी लूँगी। अगर आप 100 ग्राम से 70-80 ग्राम 75 ग्राम भी डालोगे तो भी सही है, मगर मैं तो 100 ग्राम ही डालती हूँ, इसलिए मैं 100 ग्राम ही डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम चीनी ले ली है मैंने, और मैं 100 ग्राम ही इसमें पानी डालूँगी। एक कटोरी चीनी के लिए एक कटोरी मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर दूँगी। अब मैं इसकी पेठे की चाशनी बना लेती हूँ। देखिए, मैंने चाशनी स्टार्ट कर दी है बनाना। अब देखो, इसके अंदर ये चीनी वक्त पिघल गई है हमारी, थोड़ी सी चीनी रही है, ये भी बाकी अभी पिघल जाती है, अभी पिघल जाएगी। तो इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर मैल होता है चीनी का, जो सब दूध के अंदर निकल जाता है, क्योंकि पेठे की चाशनी बिल्कुल साफ़ सुथरी बनती है, उससे वाइट हो जाती है चाशनी का रंग, सफ़ेद हो जाता है, तो पेठा हमारा सुंदर दिखने लग जाता है। अब देखिए, चाशनी हमारी उबाल पे आ गई है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। एक बड़ी स्पून दूध की डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अभी थोड़ी देर में इसकी चारों तरफ मैल इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, सारा मैल अभी इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, इसमें जो गंदगी होती है जो दूध से साफ हो जाती है,
अभी थोड़ी देर और लगेगी इसमें निकलने में। देखिए जो चारों तरफ ये मैल हो गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चीनी साफ़ सुथरी थी इसमें मैल कम निकला, तो मैं इसको चमचे की सहायता से, बड़ी चम्मच की सहायता से छालनी में से छान लेती हूँ। जो मैल है वो भी निकल जाएगा, उस चाशनी हमारी साफ़ सुथरी सफ़ेद बनेगी। इसमें तीन तार की चाशनी बनानी होती है। अभी हमारी चाशनी बन के तैयार नहीं हुई है, वो मैं बाद में बताती हूँ। इसको एक साइड में रखते हैं अब धीरे धीरे, और मैं पेठा फ्राई करना बताती हूँ आपको। इतने इतने हमारी चाशनी तैयार होती है। देखिए इसमें एक पीस मैंने डाल के देख लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मगर बिल्कुल धीमी ऑयल पे इसको उतारना है। पहले गर्म कर लिया है इसको मैंने, वापस थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब मैं पेठा डाल दूँगी इसके अंदर, धीमी आँच पर फ्राई करना है इसको। अगर आप तेज़ आँच पर फ्राई करोगे तो बाहर से पेठा सिक जाएगा, अंदर से सिकाई नहीं होगी पेठे की, तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। धीमे धीमे आँच पे ये फूल जाएगा और अंदर से भी अच्छा सिक जाएगा। देखिए अब उसको उथल पुथल कर लेते हैं पेठे को, थोड़ा सा उथल पुथल करके देखेंगे। देखो पेठा फूलने लग गया हमारा, चारों तरफ से उथेल देंगे इसको। धीमे धीमे आँच पे धीरे धीरे तैयार हो जाएगा पेठा। इसको हल्का ब्राउन कलर करना है इसका, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। नमकीन पेठा जो होता है उसको तो डार्क ब्राउन करना होता है, क्योंकि इसका कलर ब्राउन ही अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, कुरकुरा। और ये पेठा होता है जो इसमें लाइट ब्राउन कलर होता है, क्योंकि इस पर चाशनी चढ़ाई जाती है। देखिए पेठे को थोड़ा उथल पुथल और कर लेते हैं, हल्का ब्राउन होने लग गया हमारा पेठा। देखिए चारों तरफ से सिकाई हो गई है इसकी। ये देखिए आप पेठे को निकाल के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से खिल गया हमारा पेठा, इसका मतलब है इस इतने को तैयार है पेठा। बस कम से कम आपको 8-9 मिनट लग जाएंगे इस पेठे को धीरे धीरे धीमी आँच पे सिकाई करने में, इतना टाइम तो चाहिए ही पेठा बनाने के अंदर। अगर आप झट से पेठा बना दोगे तो पेठे में टेस्ट भी नहीं बनेगा ना, और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा, इसलिए इसको झट से बनाना नहीं है, धीमी आँच पे बनाना आपको। देखिए पेठा हमारा तैयार हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ पक्के। ये परफेक्ट सिकाई हो गई है इसकी। देखिए अब चलते हैं चाशनी की ओर, अब चाशनी को चेक करते हैं। मैं चाशनी चेक करती हूँ, देखिए चाशनी हमारी चेक कर लेते हैं। ये हो गई है हमारी चाशनी दो तार की, बस 2 मिनट चाशनी को और पकाएंगे। 3 तार की चाशनी चाहिए हमारे को, फिर इसमें अपन पेठा डाल देंगे। देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है 3 तार की, देखिए किस प्रकार से तार बने हुए हैं, चीनी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी ये होती है पेठे की। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद में ये पेठे पे चढ़ा देंगे। देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, देखिए इस प्रकार से बन गई है चाशनी। देखिए ऐसी चाशनी बनानी है, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, हल्की गर्म है ये चाशनी, बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है। अगर आप बिल्कुल ठंडी कर दोगे इसको तो ये भगोने में जम जाएगी और आपका पेठा ऐसे कैसे सूखा का सूखा रह जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा गर्म रखना आप, ज़्यादा गर्म नहीं। और अब मैं इसमें पेठा डाल दूँ, डाल के और मिक्स कर दूँगे। इसको इससे मिक्स कर दूँगी, चाशनी पी लेगा ये पेठा। देखिए चाशनी जैसे जैसे ज़्यादा ठंडी होती जाएगी तो पेठे की चिपकती जाएगी, और आप चाहो तो उसको चौड़े बर्तन में परात में फैला सकते हो इस पेठे को, फिर इस चाशनी को मिला सकते हो, जो फटाफट ठंडी हो जाएगी तो पेठे पे अच्छी तरह से लिपट जाएगी। और 1 घंटे तक आप इसको सुखा लेना, धूप में नहीं सुखाना आपको, पंखे के हवा में ऐसे रख देना, 1 घंटे बाद में इसको खा सकते हो आप पेठे को। और अगर आपको हमारा पेठे वाली
रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।